Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Spring Singh and today I am going to teach you one word substitution. Student, ये आपकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की आपकी थर्ड क्लास है और आज की क्लास का जो वन वर्ड है वो ये है आपका वन न्यू टू एनीथिंग एंड अनएक्सपीरियंस. इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति है जिसको क्या है वो किसी भी फील्ड का उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, मतलब आपका वो एकदम नया बंदा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉविस या उसको बोलते हैं हम आपका टायरो. इस मीन्स होता है नौसकिया, जिसको नई नई चीज़ें सीखने का केवल शौक है बट उसको क्या है कि उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, तो उसको हम आपका नॉविस या उसको हम टायरो बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन वर्ड आपका स्टूडेंट दैट कांट बी अंडरस्टैंड, जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है, देन कांट बी अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ नहीं सकते, ठीक है. तो इसको हम जैसे इन है आपका आपका ये कम्प्रीसेबल कम्प्रेहेंसिबल, इट मीन्स हो गया स्टूडेंट जो समझने ना योग्य हो, ठीक है. अनकम्प्रेहेंसिबल मतलब जिसको आप समझ नहीं सकते, उसको स्टूडेंट हम हिंदी में बोलते हैं इसको आपका अबोध बोलते हैं जिसको हम. नेक्स्ट आपका ए सब्सटेंस विच यूज टू किल एंड इंसेक्ट, इस मीन्स होता है कोई भी पदार्थ है जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट किसको आपके इंसेक्ट मीन्स कीड़ों को, ठीक है. तो यहाँ हम बड़ी आसानी से सीखेंगे. देखो इंसेक्ट हमने एक साइड में कर लिया यहाँ तक और आपका साइड हमने एक साइड में लिया, ठीक है. तो साइड का जो मैंने आपको रूट वर्ड बताया था इसका मीन्स होता है स्टूडेंट हत्या करना, ठीक है, या किसी को किलिंग करना. तो इंसेक्ट मीन्स हो गया कीटाणु को जो मारने की जो दवा, मतलब जो जो पदार्थ होता है उसको स्टूडेंट हम आपका इंसेक्टिसाइड बोलते हैं. नेक्स्ट आपका ई सब्सटेंस विच इज यूज टू किल ए गर्ड, गैर मीन्स होता है स्टूडेंट आपके क्या होते हैं कीटाणु जो होते हैं, ठीक है. तो साइड इसमें हमने लास्ट में आपका रूट वर्ड जोड़ लिया और यहाँ पर आपका गैर मीन्स साइड, ठीक है, मीन्स रोगाणु नाशक. कोई भी पदार्थ होता है जो कीटाणुओं या आपके जो रोगाणु होते हैं उनको मारने का काम आता है उसको बोलते हैं हम आपका गैर मीन्स साइड. नेक्स्ट वन इसमें आपका ई सब्सटेंस विच इज यूज टू प्रिवेंट वॉन्ड फ्रॉम गैम्स, यानी कि अगर आपके कोई भी जो घाव होता है स्टूडेंट तो उस घाव को जो वॉन्डेड घाव है उस पर कहीं कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं तो उस पर जो दवा वगैरह लाए थे उसको हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका एंटीसेप्टिक, ठीक है. बोलते हैं ना किसी का ऐसा ना हो गए टिटनेस वगैरह हो जाए या ऐसा कर कुछ इंजेक्शन वगैरह लाए, तो वही होता है स्टूडेंट. अगर कोई मान लो घायल हो गया तो उसके घाव को रोकने के लिए जो दवा लगाई जाती है उसको बोलते हैं आपका एंटीसेप्टिक, यानी आपका रोगाणु रोधी. नेक्स्ट इज स्वेलिंग पार्ट ऑफ ए बॉडी, यानी बॉडी का आपका कोई भी हिस्सा है जो स्टूडेंट आपका सूजा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम हिंदी में आपका इनफ्लेमेशन. इनफ्लेमेशन मीन्स होता है आपका स्टूडेंट सूजन, ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि कोई भी ये डॉक्टर होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो लेडीज में जो प्रेगनेंसी होती है या जो बच्चों के जन्मदात जो होती है उनके बारे में जो नॉलेज रखता है उसको बोलते हैं हम आपका ऑब्स्ट्रिक्लिन, ठीक है. ऑब्स्ट्रिक्लिन मतलब प्रसूति विशेषज्ञ. स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें. नेक्स्ट आपका एक पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज, बोन डिजीज मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी जो डॉक्टर होता है जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम आपका ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में. नेक्स्ट आपका ए वूमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन आपका रेप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि ये जो लेडीज होती हैं उनके लिए होती है स्टूडेंट, ये डॉक्टर होती है लेडीजों के लिए, स्त्री रोग जो विशेषज्ञ होते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो गायनो वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट ये यूज़ किया था फॉर लेडीज़ के लिए, ठीक है. और जो लॉजिस्ट क्या होता है जो स्टडी करता है या उस फील्ड का वो मास्टर होता है खुद में अपने आप में, तो ये होता है आपका गायनकोलॉजिस्ट, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती हैं लेडीज के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड आपका. नेक्स्ट है आपका द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो खुद की जो लाइफ हिस्ट्री जो लिखता है, ठीक है, उसके बारे में जो कुछ भी है, मतलब उसके जन्म से लेकर के और जो अब तक, तो उसको स्टूडेंट हम जो लिखता है उसको तो हम आपका बोलते हैं उसको स्टूडेंट आपका हम ऑटोबायोग्राफर बोलते हैं, और जो हिस्ट्री लिखता है जो अपने आप में तो उसको स्टूडेंट हम आपका ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, लेकिन और जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका ऑटोबायोग्राफ, ठीक है. ऑटो मीन्स क्या होगा स्वयं की, बायो मीन्स क्या होगा जीवन, ग्राफी मीन्स क्या होता है अध्ययन, यानी खुद की जो लाइफ का जो अध्ययन करता उसको बोलते हैं हम आपका ऑटोबायोग्राफर, और जो लिखता है उसको बोलते हैं हम आपका ऑटोबायोग्राफी होती है स्टूडेंट, उसकी जीवनी यानी उसको बोलते हैं हम आत्मकथा, सॉरी, ठीक है.
नेक्स्ट आप ए पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं दूसरों की जिंदगी के बारे में, मतलब उनके, जैसे आप हिंदी वगैरह में जो हिंदी सब्जेक्ट होता है तो आपने उसमें देखा होगा जीवन पर्ची वगैरह जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, वो खुद की जिंदगी के बारे में लिखा जाता है, दूसरों के बारे में से बोला जाता है। तो जो दूसरे, बायो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट जीवन, और ग्राफ मीन्स क्या हो गया लिखने वाला, दूसरों के जीवन लिखता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम बायोग्राफ, ठीक है। और जो दूसरों की जो पूरी जिंदगी की जो हिस्ट्री ऑफ दूसरे व्यक्ति की जो लाइफ होती है उसके बारे में पूरा लिखा जाता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम बायोग्राफर। ऐसे स्वयं की लिखता है उसको ऑटो बायोग्राफर होते हैं, खुद की जो आत्मकथा है उसको हम ऑटो बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति है जो अपने जो फर्स्ट उसका स्पीच होता है यानी उसका जो भाषण होता है उसको स्टूडेंट हम आपका मिडेन स्पीच बोलते हैं हिंदी में, यानी प्रथम भाषण। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ए स्पीच स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई व्यक्ति है कोई भी स्पीच दे रहा है या कोई मान लो कोई भी वो वाक्य बोल रहा है या कोई कथन बोल रहा है, ठीक है, जो कि डिलीवर किया था किसके लिए, बिना प्रिपरेशन यानी उसने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन क्या है उसने केवल स्टार्ट कर दिया बोलना कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी का जो भाषण होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका वन हु लिव लाइफ ऑन फ्लैश, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल मांस पे जिंदा होता है स्टूडेंट, केवल उसको मांस पसंद है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका कार्निवोरियस, यानी कि उसको बोलते हैं हम मांसाहारी, कार्निवोरियस। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो केवल किस पे फीड मीन्स क्या होता है, निर्भर होता है किस पे, केवल मानव का जो उसको मांस है या हम कहीं जो मानवों को खाता है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम कैनिवल, यानी कि नरभक्षी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम, कोई भी व्यक्ति है जो सेम टाइम पर रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि अकबर के समय पर तुलसीदास थे, ठीक है, या महाभारत के समय कौन था, या आपने हिस्ट्री में कई तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, तो वही होता है कि पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम, कोई भी व्यक्ति है जो एक साथ एक समय पर रह रहा है तो उसको बोलते हैं हम आपका कॉन्टेम्पोरियस यानी समकालीन, कॉन्टेम्पोरियस यानी समकालीन होता है, इस मीन्स स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, कोई भी व्यक्ति है जो अपना कर्जा ले रखा है, मान ली किसी ने बैंक से कर्जा ले रखा है या किसी और अदर पर्सन से कोई कर्जा ले रखा है तो उसको स्टूडेंट क्या है वो चुकाने में, यानी उसने बैंक से कर्जा लिया वो चुकाने में क्या हो गया, वो असमर्थ हो गया, ठीक है, यानी उसके पास पैसा नहीं, तो उसको ऐसे व्यक्ति बोला जाता है आपका ये आपका बैंकक्रप्ट, बैंक अलग हो गया और करप्ट से बना है आपका यहाँ पर रप्ट, यानी कि वो दिवालिया हो गया उसके पास पैसा नहीं है, या उसको बोल सकते हैं हम आपका आइंसो आइसलोवेंट, ठीक है, यानी दिवालिया बोला जाता है इसको हिंदी में। नेक्स्ट इज साउंड दैट कांट बी हर्ड, यानी कोई ऐसी ध्वनि है स्टूडेंट जिसको हम क्या है सुन नहीं सकते, कांट मीन्स मतलब इसको सुना नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं ऑडियोबल, मीन्स क्या होता है इसमें सुनने योग्य, यहाँ पर हमने इन ऑडियोबल मीन्स इन लगा दिया तो इसका मीन्स क्या हो गया नेगेटिव सेंस हो गया, यानी इसका मीन्स हो गया अनऑडियोबल मीन्स अश्रव्य, केवल ऑडियोबल होता तो श्रव्य बोलते हैं उसको, अनऑडियोबल मीन्स अगर यहाँ होता दैट कान दैट साउंड कैन बी हेयर्ड तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम ऑडियोबल, लेकिन यहाँ बोला कांट हेयर्ड तो उसको बोलेंगे हम आपका इन ऑडियोबल। नेक्स्ट आपका दैट कांट बी इजली अप्रोच्ड, यानी कि हम ये बोलें कि जहाँ पर आप आसानी से जा ना सको या आप कुछ चीज़ को किसी को पा ना सको, अप्रोच मीन्स क्या होता है पहुँचना या अपने अधिकार में लेना, ठीक है, तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट मतलब ये एक्सेबल, देखो कितना आसान होता है एक्सेस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को पा लेना, ठीक है, एक्सेबल पा लेना होता है, लेकिन इनएक्सेबल मीन्स क्या होगा द्रोगम, यानी कुछ जो मान लो आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या सोचा आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है लेकिन आप नहीं चढ़ पाए, अगर चढ़ गए तो आप एक्सेबल हो गए, नहीं चढ़ पाए तो आप इनएक्सेबल हो गए, यानी वो दुर्गम में जगह बोला जाता है उसको, ठीक है स्टूडेंट, जिसको आप अप्रोच ना कर सको उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका वॉमिटिंग और प्रोफोरिंग, यानी कि दूषित करना रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक चीज़ों को और प्रेस, यानी कि आपकी जैसे मान लीजिए जाए मंदिर हो या मस्जिद हो तो वहाँ क्या है कुछ लोग क्या करते हैं उनको वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, तो ऐसे जो गंदगी फैलाई जाती है, ठीक है, जो पवित्र वस्तु होती है मूर्ति है या कुछ भी हो किसी भी आपके कास्ट से या किसी कम्युनिटी से जुड़ा हो वो फिर रिलीजियन, ठीक है, तो वहाँ स्टूडेंट ऐसे को बोला जाता है आपका स्क्रलिंग मतलब पवित्र वस्तुओं को जो दूषित करते हैं उसको बोला जाता है आपका स्कारलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनकैपेबल ऑफ बींग करेक्टेड,
कैपेबल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सक्षम। अनकैपेबल मीन्स जिसको आसानी से जिसको क्या है बींग करेक्टेड, यानी कोई भी मान लो कोई संशोधन ना किया जा सके। मान लो आप कोई काम कर रहे तो आपसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आप जिसको ना मिटा सको या आप जिसको दोबारा से सही ना कर सको, ठीक है, बींग करेक्टेड मीन्स दोबारा से उसको आप सही ना कर सको, तो उसको वो रहता है स्टूडेंट आपका इनकरेजिबल। करेक्ट से बना आपका करेजिबल स्टूडेंट, करेक्ट से बना आपका करेजिबल मीन्स क्या होगा शुद्ध या वो सही है, ठीक है। अनकरेजिबल मतलब जिसको आप सही नहीं कर सकते, यानी उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, उसको रह जाता है आपका अशुद्ध। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए आपने कोई भी बाइक वगैरह ली, उसमें कोई मिस्टेक आ गई, ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करते हो उसे रिपेयर देने, रिपेयर के लिए किस पे जा रहे थे, मैकेनिक यहाँ डाल लाते हो भाई इस चीज़ को सही कर देना, तो इसको वो क्या है रिपेयर कर देता है। तो इनकैपेबल यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसको क्या है रिपेयर ना किया जा सके, ठीक है, इनकैपेबल मीन्स उसको रिपेयर ना किया जा सके, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ये रिपेयर से बना है आपका रिपेयरेबल, तो इसको बोल दिया जाएगा इररिपेयरेबल, जिसको अप्रतिकार यानी जिसको दोबारा से ठीक ना किया जा सके। नेक्स्ट आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे आप भाई, जैसे बोले हम को जो पढ़ा लिखा होता है वो इलिटरेट होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा तो इलिटरेट से बात होना एलिजिबल, ठीक है, या जिसको आप आसानी से समझ सको, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है इसका इल लगा दिया सामने से, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड जिसको ना पढ़ा जा सके यानी एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट और ये आज की वीडियो का लास्ट वन वर्ड स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ कॉइंस। कॉइंस मीन्स क्या होता है सिक्के, सिक्के होते हैं उनका स्टूडेंट क्या लोग, आपने देखा होगा कि जो इस समुद्र जो आपके समुद्र गुप्ता काल है या कोई भी डायनेस्टी जो रही है आपकी हिस्ट्री में उनसे कोई भी रिलेटिव जैसे सिक्के वगैरह मिलते हैं किसी भी जो खुदाई वगैरह करते हैं, तो उनको क्या करते हैं वो उनका अध्ययन करते हैं कि ये भाई किस सम्राट के समय पर किस राजा ने चलाया, तो उसको जो उसका जो स्टडी की जाती है स्टूडेंट उनको बोलते हैं आपका न्यूमिस्टिक, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं आपका मुद्रा शास्त्र। तो आज की क्लास थी स्टूडेंट यहीं पर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।